नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उपस्थित रहे डॉक्टर भगवती प्रकाश जी, जो स्वदेशी जागरण मंच के एक आधार स्तंभ हैं, श्री सतीश जी, स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठक और स्वावलंबी भारत अभियान के संयोजक के नाते जो कार्य संचालित कर रहे हैं, आदरणीय श्री वेम्बु श्रीधर जी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा हम सबके ऊपर सदैव अपने कृपा आशीर्वाद के वर्षा करें और आज के इस शुभ दिन जो महात्मा गांधी जी और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों के जन्म जयंती भी है। इन दोनों महानुभावों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश के लिए काम करने के अपने संकल्प को पुनः चेतना युक्त बनाए और देश को, भारत को एक श्रेष्ठ, समृद्धशाली, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने में उनके प्रेरणा से हम आगे बढ़े, यही कामना करता हूं। आज के इस स्वावलंबी भारत के शंखनाद कार्यक्रम में आपके सम्मुख कुछ विचार प्रस्तुत करूं, इसके लिए मुझे अवसर दिया, इसलिए स्वावलंबी भारत अभियान के सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, पिछले दिनों जो एक महामारी सारे विश्व में फैल गई, उसके कारण बहुत सारे संकट को, चुनौती को, सारे मानवता को सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा और भारत भी उस महामारी के सामना करते हुए सफलतापूर्वक हम अब परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। जो संकट और देश के लिए नुकसान हुए वह तो दुखदायी रहा ही है, परंतु राष्ट्र जीवन पुनः एक बार अपने पटरी पर चलने के लिए अग्रसर हो गया है, ऐसे हम मान सकते हैं। अभी अभी हम भारत के स्वातंत्र के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भी मनाया, देश भर में करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने देश के अंदर और विश्व भर में निवास करने वाले सभी भारतीय इस अवसर को, इस आनंद के उल्लास से उन्होंने मनाया और अमृत काल की घोषणा भी देश में हो गई है। आने वाले 25 वर्षों में भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में एक श्रेष्ठ सम्मान पूर्वक स्थान पर ले जाने के एक संकल्प भी देशवासियों ने किया ही है। हम सब जानते हैं बीते 75 वर्षों में कई प्रकार के चुनौतियों के, संकट के सामना करने के पश्चात भी देश कई आयामों में प्रगति भी की है,
हम देखते हैं एक समय ऐसे था भारत में, स्वतंत्र भारत में, हम खाद्यान्न के लिए दुनिया के कई देशों के दरवाजे पर पहुंचे, कर्ज लेने के लिए हम मजबूर हो गए थे। आज उस दुस्थिति से बाहर आकर खाद्यान्न के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में न केवल हम उभरे हैं, जो संकट में है ऐसे अपने पड़ोसी देश श्रीलंका जैसे देश को भी हम आपूर्ति करने के, सहायता करने के स्थिति में हैं। सुरक्षा क्षेत्र हो, विज्ञान और तंत्र ज्ञान के विभिन्न आयामों में हो, चिकित्सा दवा के क्षेत्र में हो, भारत ने जो तरक्की की है इसके बारे में हम सभी भलीभांति परिचित है ऐसे मैं मानता हूं। भारत ने जिस प्रकार अपने पैरों पर खड़े होने का एक सार्थक प्रयास किया है, इसको आज विश्व में एक दृष्टि से सराहना भी कर रहे हैं। हम जानते हैं आज भारत विश्व के आर्थिक संपन्नता के दृष्टि से सबसे ऊपर के 6 राष्ट्रों में एक है, 1 of the 6th largest economy। इस प्रकार भारत के आज स्थान है और शीघ्र ही हम और तरक्की करने के सब प्रकार के एक अवसर हमें प्राप्त भी हो रहा है, उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, यह विश्वास भी हम सब रखते ही हैं। एक और भारत आर्थिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के पश्चात भी कुछ विषयों के बारे में अपने को अभी भी उन क्षेत्रों में प्रगति करने की आवश्यकता है, कई प्रकार के चुनौती को अभी भी सामना करते हुए कुछ समस्याओं का हल करने के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे अनुभव में आता है। विजयादशमी के अंतिम दिन, नवरात्रि के अंतिम दिन विजयादशमी सीमोल्लंघन के एक प्रतीक है। मां दुर्गा असुरों के संहार करते हुए धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुई थी। अब राष्ट्र जीवन में भी कई राक्षस रूपी चुनौतियां समय समय पर सामने आती हैं। वह अन्य अन्य इस प्रकार के राक्षसी चुनौतियों के संदर्भ में अभी तो उल्लेख नहीं करूंगा, परंतु एक ऐसे जो कई वर्षों से, कई दशकों से, शतकों से हमारे लिए एक राक्षसी रूप लेकर सामना के रूप में खड़े हैं, वो है देश की गरीबी। इस चुनौती को भी संहार कर विजय प्राप्त करना यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में आज गरीबी कितने हैं? लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, यह एक आंकड़े हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। और एक आंकड़े मैं देख रहा था, प्रतिदिन 375 रुपए से कम आए हैं ऐसे लोग हिंदुस्तान में, 23 करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन 375 रुपीज इनकम पर डे। 10 साल पूर्व से स्थिति से आज हमारी स्थिति सच में अच्छी है। लगभग 22% लोग गरीब थे, अब 18% लोग गरीब है, ऐसे और एक स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। उसी प्रकार हम देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम के दृष्टि से
2020 में 135,000 135,000 रुपए के तुलना में 2022 में 1.5 लाख पर कैपिटल इनकम के एक आंकड़े हमारे सामने आते हैं। बेरोजगारी की संख्या पिछले जून में लगभग 4 करोड़ 2.2 रूरल एरिया में, 1.8 करोड़ अर्बन एरिया में। लेबर फोर्स सर्वे के अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7.6% अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे समझ में आता है। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यह तो बेरोजगारी है, यह एक हमारे लिए चुनौती तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और एक विषय के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा, वो है आर्थिक असमानता की, इनइक्वालिटी। एक दृष्टि से देश में आर्थिक तरक्की के एक आंकड़े जो मिलता है, भारत दुनिया के टॉप मोस्ट 6 कंट्रीज में, 6 देशों में एक है, ऐसे है तो परिस्थिति सर्वदूर ठीक है क्या? ऐसे नहीं है। टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, दे आर ओनली 1/5 ऑफ द, दे आर हैविंग 1/5 ऑफ इनकम ऑफ आवर कंट्री, जबकि देश के आधी आबादी 50% ऑफ द पॉपुलेशन, उनके जो इनकम है देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 13%। यानी 50% लोगों के इनकम देश के 13% ही है, और टॉप 1% देश के इकोनॉमी के 20% इनकम है। तो इस असमानता के संदर्भ में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए गरीबी के कारण के संदर्भ में जब देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ बातों के बारे में विभिन्न देशों के सर्वेक्षण करने के पश्चात अपने शोध से, अपने रिसर्च से उन्होंने जो बातें सामने लाई हैं वह भारत के संदर्भ में भी काफी हद तक लागू होती हैं। इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड न्यूट्रिशियस फूड, शुद्ध जल और पौष्टिक आहार की उपलब्धता देश के बहुत बड़ी आबादी के लिए आज भी नहीं है। उसी प्रकार लाइवलीहुड, आजीविका और रोजगार, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, इस स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा, तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है देश में गरीबी के कारण। अन्य अन्य प्रकार के समाज के अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टकराव होते हैं, संघर्ष होते हैं, यह भी गरीबी के कारण है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ के रिसर्च कहता है। इनइक्वालिटी के बारे में मैंने अभी उल्लेख किया असमानता के संदर्भ में। शिक्षा के जो प्रयास होने चाहिए वह ठीक से नहीं होने के कारण पुअर लेवल ऑफ एजुकेशन कई देशों में, यह भी एक गरीबी के लिए कारण बन चुका है। भारत ने हम अभी इस दृष्टि से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने का प्रयास किए हैं, वह लागू होने के दहलीज पर है, तो इसलिए अपने को देखना पड़ेगा आने वाले कुछ वर्षों में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो भी सब परिणाम होंगे वह देश की परिस्थिति को उत्तम बनाने में कुछ अपने योगदान देगा ही, यह विश्वास हम सबको है। जलवायु परिवर्तन भी गरीबी के लिए कई बार कारण बनते हैं। आधारभूत संरचना के अनुपस्थित होने के कारण गरीबी दिखाई देती है। कई जगह पर सरकारों के अक्षमता के कारण भी गरीबी रहती है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ के अवलोकन है। तो इस दृष्टि से यदि हम सोचें
आज हम इनमें से एक बहुत प्रमुख बात वो है लैक ऑफ एक्सेस और लिटिल एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स। तो इस दृष्टि से स्वावलंबी भारत अभियान ने कोविड महामारी के चुनौती के दौरान एक प्रयत्न के नाते प्रारंभ हुआ। कोविड महामारी के समय में हम सब जानते हैं जिस प्रकार प्रवासी मजदूरों के बहुत बड़ी तादाद में बड़े शहरों से गांवों में गए और अपने अपने गांव में रहकर वो कुछ न कुछ आजीविका के लिए प्रयत्न करने के लिए मजबूर हुए। पिछले कई दशकों से देश के गलत आर्थिक नीति के कारण गांव-गांव से नौजवान लोग रोजगार की तलाश में पलायन किए शहर की तरफ। रोजगार कहाँ मिलेगा, आजीविका कहाँ मिलेगी, वो तो शहरी क्षेत्र में ही मिलना संभव है। ऐसे परिस्थिति होने के कारण हमारे गांव देश भर में वो खाली होते गए और शहरों के जीवन नरक सदृश बनते गया। यह हम सबका अनुभव है। इसलिए शहरों के योजना में भी कमी रही, गांव में लोगों को रोक कर वहां उनके लिए कमाई पढ़ाई दवाई इन चीजों को उपलब्ध कराने में देश की आर्थिक नीतियां विफल रही। पिछले दशकों में ये सब देश ने अनुभव किया है। इस बीच में महंगाई के जो मार पड़ती है उसमें लोग किस प्रकार से जीवन चलाने के लिए वो मजबूर हुए, गरीबी के, दुर्दशा के, कुशिक्षा के, इन कारणों से लोगों के जीवन कैसे एक दुर्भर बनते गया, यह भारत की कहानी रही है। लेकिन भारत उस दुर्दशा से, दुरावस्था से बाहर निकलने के लिए यहाँ के समाज और सरकार के वर्तमान नेतृत्व ने कुछ प्रयत्न भी किया। इस कारण से आज परिस्थिति में बहुत सारे बदलाव दिखते हैं। लेकिन जिस प्रकार चुनौती अभी भी है, जिसका उल्लेख मैंने किया, उस कारण से अपने को एक देश भर में जनता में एक नए उत्साह को, नई ऊर्जा को, नई चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। वेम्बु श्रीधर जी जैसे लोगों ने इस प्रकार के कार्य में बहुत ही एक सराहनीय प्रयास करते हुए देश के लिए प्रेरणा केंद्र बने हैं। स्वदेशी जागरण मंच और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज के बहुत सारे संगठन संस्थाएं यह इकट्ठा आकर देश में एक स्वावलंबी भारत निर्माण करने के अभियान की तरफ आगे बढ़े हैं। सरकार ने एक तरफ आत्मनिर्भरता के बात के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, नेशनल सेल्फ रिलायंस राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता यह भारत के मंत्र बनना ही चाहिए। जब हम गांधी जी के, लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं, उन दोनों महानुभावों ने भारत को स्वदेशी के आधार पर स्वावलंबिता के एक बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी सपने को देशवासियों के सामने उन्होंने रखा था। यह कोई कोरी सपने नहीं हो सकते, यह अव्यवहारिक सपना नहीं है। भारत के अंदर वह ताकत है, वह क्षमता है। तो इसलिए जब कोविड के उस महामारी के दौरान हम लोगों ने एक अवलोकन किया, लोग जो नौजवान लोग गांव-गांव में आए हैं और नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन के समय और उसके तुरंत पश्चात भी जिस प्रकार की परिस्थिति थी उसमें क्या हम लोगों के आजीविका के लिए कुछ न कुछ कार्य कर सकते हैं क्या, रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं क्या, यह जहां जहां प्रयास हुए उन प्रयासों के बहुत अच्छे प्रेरणादायी परिणाम भी निकले।
कई स्थानों पर स्थानीय वस्तुओं के स्थानीय सामग्रियों के उपयोग करते हुए विद द लोकल रिसोर्सेस लोकल मटेरियल एंड लोकल टैलेंट। इस कारण से कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न के क्षेत्र में छोटे बड़े हस्तशिल्प में बहुत सारे ऐसे सैकड़ों प्रकार के छोटे छोटे रोजगार को उत्पन्न करना संभव है, यह ध्यान में आया। तो आपद को अवसर के रूप में परिवर्तन करने के मनुष्य के जो प्रयत्न है वह यहां काम में आया। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ऐसे कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसलिए देश के में जब ऐसे एक दुर्वस्था की स्थिति थी उसमें अपने देश के अपने समाज के लोगों ने इस प्रकार के प्रयत्न किया, व्यक्तिगत तौर पर किए होंगे, सामूहिक प्रयास किए होंगे, संस्था से सहायता मदद लेकर किए होंगे। इन सारे कारणों से देश के अंदर एक आत्मविश्वास के भाव जागृत हुआ, हम नहीं कर सकते हैं अब क्या करें, ऐसे किम कर्तव्य मूड होने के बजाय नहीं हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, वी शुड टेक इट अप, इस प्रकार के कृत संकल्प से कार्य करने वाले समाज अपने आत्मशक्ति के बल पर आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए स्वावलंबी भारत अभियान की यह कल्पना यह योजना इसी कारण से बनी। और इसमें जैसे जैसे इस विषय को सामने रखा देश भर के लोगों ने इसका सहर्ष स्वागत किया, न केवल स्वागत किया, इस अभियान में किसी न किसी प्रकार से जुड़ने के लिए सक्रियता से सहभागी होने के लिए वो आगे आए। वो उद्योगपति हो सकते हैं, लघु उद्योगपति हो सकते हैं, वह व्यापारिक क्षेत्र में जिनके अनुभव है जिनके कार्य है वो हो सकते हैं, वो एकेडमिक क्षेत्र के लोग हो सकते हैं जैसे IIT के IIM के जो विद्वान लोग हैं वो हो सकते हैं, उत्साही NGOs हैं, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे संगठन हैं, अखिल भारतीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक कार्य में सक्रिय ऐसे लोग हैं। इन सभी लोगों को लगा हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं सामने लाई, जैसे पशु संगोपन के संदर्भ में, मत्स्य पालन के संदर्भ में, या कृषि को आगे बढ़ाने के लिए FPO जैसे योजनाएं। इन सारे कारणों से देश के अंदर एक वातावरण बनने में सहायता मिली। यही कारण है पिछले 4-6 महीनों में स्वावलंबी भारत अभियान की योजनाएं जिले के नीचे खंड स्तर तक ग्राम स्तर तक कैसे वो फैलते गया, यह मैंने स्वयं स्थान स्थान के जो रिपोर्ट्स मेरे पास आए उसको देखकर बहुत ही आनंद हुआ और समाज के इस आत्मविश्वास को देखने से प्रेरणा भी मिली। तो इसलिए यह एक सार्वदेशिक सार्वभौमिक व्यापक अभियान बनते जा रहा है। इसलिए प्रत्येक ब्लॉक में वहां कार्य करना पड़ेगा, गांव तक इस योजना के फैलाने के लिए जहां अभी भी पहुंचे नहीं है वहां पहुंचाने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। सरकारी प्रयास के साथ साथ समाज के प्रयास होना चाहिए, इसलिए समन्वय और सहकारिता यह आवश्यक है। इस कार्य में इस अभियान में जो लोग जुड़ सकते हैं किसी न किसी प्रकार से अपने योगदान दे सकते हैं, ऐसे संस्था ऐसे व्यक्ति इन लोगों को जोड़कर एक समन्वित प्रयास होने चाहिए। इसलिए योजनाएं केवल अखिल भारतीय स्तर पर बनने से काम नहीं बनता, इसलिए स्थानीय योजना विकेंद्रीकरण इसकी आवश्यकता है। इस विकेंद्रित योजना से परस्पर सहकार और समन्वय से इन बातों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट जैसे अभी बेम्बू श्रीधर जी ने बताया वो हो सकता है, कृषि के संदर्भ में बीज के हैं, फल के हैं, सब्जी के हैं, फूलों के हैं, कोल्ड स्टोरेज के संदर्भ में, मार्केटिंग के हैं, इन सारे संदर्भों में आप विचार करना पड़ेगा। कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग के कई प्रकार की चीजें
कुछ समय में जो नष्ट हो गए उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। ऐसे ही दवा के क्षेत्र में स्थानीय कई प्रकार के आयुर्वेद की चीजें बन सकती हैं। नित्य जीवन के कई प्रकार के प्रसादन वस्तुओं को हम ग्रामीण क्षेत्र में उत्पाद करने के एक बहुत बड़ा अभियान होने से भारत के एक आर्थिक क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। स्टार्टअप के बारे में तो हम सुनते ही हैं, नए स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने के कारण बड़ी संख्या में स्टार्टअप आज दिखाई दे रहे हैं। स्वरोजगार करने वाले लोगों के खोजना पड़ेगा, उद्यमिता में जिनकी रुचि है ऐसे लोगों के प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रशिक्षण के का बहुत बड़े आवश्यकता होगी, क्योंकि जिस प्रकार आज जिले के नीचे के स्थानों पर छोटे नगर में, खंड केंद्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के एक महाअभियान चलाना है तो वह वर्ष भर चलते रहे और आर्थिक क्षेत्र में का समग्र क्रांति लाने के लिए यह प्रमुख चरण बने। ऐसे है तो हमें तीन चार बातों के बारे में और आग्रह करना पड़ेगा। एक है स्थानीय दृष्टि से क्या कर सकते हैं इसके एक अध्ययन और शोध का कार्य करने के लिए कुछ ग्रुप्स को काम करना पड़ेगा। अभी जिन्होंने किया है उनको इसमें काफी सफलता मिली है, इसलिए इस अवलोकन अध्ययन और शोध के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा स्थानीय कौशल है, उन कौशल को हमें जीवित रखना या पुनर्जीवित करना यह आवश्यक है। कई जगह पर कुछ स्थानीय जो परंपरा के ज्ञान परंपरा के कौशल की परंपरा है वह किसी न किसी कारण से नष्ट होते जा रहे हैं। पिछले दशकों के देश की आर्थिक नीति और दृष्टि के कारण उन सारे चीजों को हम खोए हैं या खोते जा रहे हैं। इसलिए क्या ऐसे कुछ भारत की विशेषता जिसमें है, भारत के समाज के ज्ञान परंपरा के आधार पर कई प्रकार के ऐसे हस्तकौशल, वो बुनने के विषय होंगे, वो पत्थर में बनाने वाली चीजें होंगी, वो बांस के कई वस्तुओं के पद करने वाला होगा, या कला संस्कृति क्षेत्र के दृष्टि से करने वाली बातें हो सकती है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट भी आज उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे चीजों के और पीढ़ी को सिखाने के एक स्किल ट्रेनिंग के प्रशिक्षण करना पड़ेगा। इसलिए स्किल ट्रेनिंग जब कहते हैं, इट कैनॉट बी ओनली अर्बन ओरिएंटेड स्किल्स, वी विल हैव टू थिंक ऑफ द रूरल स्किल्स ऑल्सो, नॉट ओनली न्यू स्किल्स ऑन द बेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो द स्किल्स ऑफ अवर इंडियन नॉलेज सिस्टम। सॉफ्ट स्किल्स भी है, बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में अपने को एक महाअभियान के तहत आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना, इसके लिए एक समग्र व्यापक और सर्वंकष योजना बनाने की आवश्यकता है। यह अभियान उस दिशा में आगे बढ़ रहा है ऐसे मैं मानता हूं। तो इसलिए उद्यमिता के दृष्टि से देखें तो कौशल केंद्र की स्थापना और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक वातावरण बनाना पड़ता है। कॉलेज से निकलने वाले लोग सरकारी नौकरी के तरफ ही देखते रहेंगे या प्राइवेट नौकरी के तरफ, जो सैलरी देने वाली नौकरी है उसी के तरफ देखने से देश के अंदर उतनी नौकरी तो मिलेगी नहीं। इसलिए जॉब सीकर्स इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जॉब सीकर्स, दे शुड बी एनकरेज टू बिकम जॉब प्रोवाइडर्स। ये कैसे संभव है? एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमिता के अंदर उस प्रकार जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। मुझे याद है वर्षों पूर्व हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से
महाराष्ट्र और कई राज्यों में एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन कैंप्स हमने चलाए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैंप्स हमने चलाए, समाज के उद्योगपति क्षेत्र के लोगों को, इंडियन मैनेजमेंट ऐसे लोगों को, समाज में मार्केटिंग के अनुभवी लोगों को हमने इस प्रकार के कैंप्स में लाकर एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन के कार्य करने का एक सफल प्रयास हम लोगों ने किया था। आज भी इन बातों को फिर से एक बार करने की आवश्यकता है, ऐसे मेरा आग्रह है। और युवकों को केवल व्हाइट कॉलर जॉब में आज समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन समाज के लिए आवश्यक हर चीजों के लिए परिश्रम जिसमें हार्ड वर्क है वो भी समाज के लिए आवश्यक कार्य है। मनुष्य जीवन के लिए सब प्रकार के कार्य के एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा ऐसा नहीं हो सकता। यदि बगीचे को ठीक रखने के माली का काम है उसको भी समाज में प्रतिष्ठा यदि नहीं है, कोई माली बनना नहीं चाहता, मजबूरी में माली बनेंगे। क्या भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए केवल अफसर बनना, बड़े उद्योगपति बनना यह संभव है? या भारत में या किसी भी देश में इन सारे कामों के करने वाले अच्छे प्रामाणिक का कर्मनिष्ठ लोगों के आवश्यकता नहीं है क्या? इसलिए अपने समाज में इस मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है। There is a dire need of changing the mindset। जैसे वेम्बु श्रीधर जी ने अपने करोड़ों रुपए के उस उद्योग के केंद्र को एक छोटे गांव में भी रखने के लिए वो तैयार हुए। इससे लोग प्रेरणा लेंगे। हर किसी को शहर में रहकर ही सब काम करना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मानसिकता के परिवर्तन शहर और गांव के बारे में, छोटे काम और बड़े काम के दृष्टि में, शरीर श्रम और श्रम से बचने के प्रयत्न से, इन सारे विषयों में एक मानसिकता के परिवर्तन की आवश्यकता है। समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों को इस संदर्भ में बहुत विशद और व्यापक प्रयत्न करना पड़ेगा। हर घर तक का यह संदेश पहुंचाने के लिए और प्रयत्न करने के लिए देखो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत को यदि एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाना है तो जीवन के हर आयाम के इस विषय के बारे में सोचना और करने की आवश्यकता रहेगी। भारत सोने की चिड़िया रही है ऐसे हम सुनते हैं, भारत एक संपन्न राष्ट्र रहा अनेक शतकों तक, इसीलिए तो इस देश पर आक्रमण हुए। अंगस मेडिसन के रिपोर्ट के बारे में कई बार उल्लेख होते हैं, 2000 वर्षों के जगत के विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक विषय के आर्थिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन किए हुए एंगस मेडिसन ने भारत का 25% वर्ल्ड ट्रेड उनका था, यह उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है। विलियम डैन रिंपल ने 1600 एडी तक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के पहले तक भारत के जीडीपी 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यह भारत ऐसे उनका रिपोर्ट कहता है। अंग्रेजों ने यह लूटा, कितने लूटा, ये सारी कहानी हम कई बार सुनते हैं, लेकिन 75 वर्ष देश स्वतंत्र होने के बाद तो हमें ठीक करना चाहिए था, क्योंकि विश्व के अंदर ऐसे राष्ट्र भी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान की स्थिति क्या थी। इजराइल 1948 में जब अपने मातृभूमि पर यहूदी लोग आकर उस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया और कहां पहुंचे, तो इसलिए दुनिया के अन्य राष्ट्रों ने जिस प्रकार प्रयत्न किए है उन चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भारत के यहां के परिस्थिति के अनुरूप अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा, उसकी योजना अलग हो सकती है, लेकिन परिश्रम के, राष्ट्रभक्ति के, समाज को लेकर जाने के मानसिकता के, हर कार्य के बारे में श्रद्धा और आदर रखने के स्वभाव में हम इन देशों से प्रेरणा ले सकते हैं। भारत के अंदर भी उस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों के संदर्भ में अभी वेम्बु श्रीधर जी ने उल्लेख भी किया,
इन चीजों को यदि किंतु अपने देश में हम एक आर्थिक कायाकल्प करना बहुत असंभव नहीं है, उस दिशा में देश आगे बढ़ ही रहा है। इसलिए मैं मानता हूं जिस प्रकार स्वावलंबी भारत के अभियान के चार मार्ग बताए, विकेंद्रीकरण, स्थानीय, स्वदेशी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता और कोऑपरेटिविज्म यानी सहकारिता, इन आधार स्तंभों के आधार पर देश में हम स्वावलंबी भारत के इस योजना को, इस अभियान को सफल बनाए। मैं इस संदर्भ में अभी अभी जो कल 5G डिजिटल 5G के जो लॉन्चिंग हुआ, इसके पहले ही अपने इकोनॉमिक टाइम्स में जिनके एक इंटरव्यू आया है, माइकल स्पेस जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा इंडिया इज द पावर हाउस ऑफ डिजिटल एंड लाइफ साइंसेस रेल्म्स, इट हैज अ थ्राइविंग डिजिटल इकोसिस्टम एंड इन इंडिया instead of digital systems replacing existing retail systems, entrepreneurs and companies are building solution to integrate existing and sometimes very small retail businesses into digitally enabled supply chains, making them more effective. ये होना चाहिए, इसको इन्होंने देखा है, यह विशेष है। और माइकल स्पेस ने और भी एक कहा है, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। I think the net effect of the digital revolution in India will be to create employment. It is not the whole solution for jobs, but it provides business opportunities and lets them scale up. With policy and incentives, digital advantages can be steered to employment creation rather than reduction. उनके इस आशा को, इस सजेशन को मैं समझता हूं संबंधित लोग ध्यान देंगे, तो इसलिए इस जन जागरण के, प्रबोधन के, स्वावलंबी भारत निर्माण करने के इस देशव्यापी अभियान को फिर से मैं सराहना करते हुए आने वाले दिनों में इस अभियान को हर प्रकार की सफलता मिले, यह अभियान एक सार्थक अभियान के रूप में होकर देश के अंदर एक सफल आर्थिक क्रांति लाने में यह अपने महत्वपूर्ण योगदान दे, यही शुभकामनाएं देते हुए स्वावलंबी भारत के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करने वाले लोग हम सभी बने। और इन्हीं शब्दों के साथ भारत के समृद्ध समर्थशाली भारत बनाने की दृष्टि से हम संकल्प लेकर आगे बढ़े, इतना ही कहकर मैं वाराणसी को विराम देता हूँ। जय भारत।